Now I am starting today's topic, that is nucleophilic substitution reaction, which means both SN1 as well as SN2, dono ki stereochemistry. Stereochemistry word aate hai, stereoisomerism aata hai hamare paas sabse pehle. Stereoisomerism ko padhe usse pehle, aapne 11th mein padha hai thoda bahut, but enantiomerism aur cis trans aur wo sab padha diya gaya tha. Aaj kuch aur tarike se aap padhenge stereochemistry ki jad kahan hai, ye nikal ke kahan se aayi cheez. कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्यूशन मैंने एक कंटेनर में बंद कर दी, राइट? स्टीरियोकेमिस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं, और स्टीरियोकेमिस्ट्री में कौन सा हिस्सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिक्स कहां से आया? लाइट. इट हैज समथिंग टू डू विद लाइट, जो हमने कभी पहले नहीं देखा. लाइट का क्या मतलब है इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, उसको आज समझना. स्टीरियोकेमिस्ट्री में अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ें तो प्रैक्टिकली ये क्या चीज होती है वो देखते हैं. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके बारे में आप ना स्ट्रक्चर जानते हैं ना नाम जानते हैं, कुछ भी, मैंने यहां सॉल्यूशन बना के एक बॉक्स में पैक कर दिया. इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के सामने मैंने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स रखा है. मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या है? जिसमें एक ही तरह की, मोनोक्रोम क्या होता है? सिंगल कलर. मोनो वन, क्रोम माने कलर. मोनोक्रोम मीन सिंगल कलर. एक ही कलर की वेवलेंथ अगर एमिट हो रही है, ऐसे सोर्स को कहते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स. चाहे इसमें हम येलो लाइट दे रहे हैं, जो भी लाइट दे रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स. मोनोक्रोमेटिक सोर्स से एक ही वेवलेंथ की लाइट निकली, उसको हमने पहले एक प्रिज्म, निकोल प्रिज्म के थ्रू पास किया. निकोल प्रिज्म क्या करता है? देखिए, लाइट जब निकली किसी सोर्स से तो लाइट हर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, एवरी डायरेक्शन. यानी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ ऑसिलेट कर रहा है. जो लाइट की रेडिएशंस हैं, वो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही हैं, इन एवरी डायरेक्शन. तो इस लैंप से जो लाइट निकल रही है, उसका ये प्लेन में भी रोटेशन, ये प्लेन में भी वो ऑसिलेट कर रही है, इस प्लेन में भी कर रही है, इस प्लेन में भी कर रही है, इन एवरी प्लेन दिस लाइट विल ऑसिलेट. सबसे पहला काम निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करके हमने क्या किया? इसके प्लेन को सिंगल प्लेन कर दिया. तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में रोक दिया इसको, और एक ही एक्सिस में इसको ऑसिलेट करने को दिया, इस रेडिएशन को. इसे कहते हैं इसके प्लेन को पोलराइज कर दिया, एक ही डायरेक्शन में कर दिया. अब हर तरफ नहीं जा सकती इसकी, इसका प्लेन. लाइट ट्रेवल कर रही है इन एवरी डायरेक्शन, लेकिन अब उसका ऑसिलेशन जो ऑल पॉसिबल एक्सिस में था, अब उसका ऑसिलेशन सिंगल कर दिया एक ही प्लेन में. ऐसी लाइट को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. जनरली ये शॉर्ट फॉर्म मिलती है पीपीएल. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज पीपीएल? पीपीएल इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इन विच द लाइट ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैज सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रही है लाइट. तो ऐसी लाइट को हम क्या कहते हैं? पीपीएल. प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज अ लाइट इन विच द लाइट रेडिएशंस आर ऑसिलेटिंग इन वन प्लेन, जिसके प्लेन को पोलराइज कर दिया गया. लाइट रेडिएशंस आर ऑसिलेटिंग इन वन प्लेन ओनली. एक ही प्लेन में ऑसिलेट करती हुई रेडिएशंस वाली लाइट को मैंने क्या किया? इस कंटेनर में जाने को अलाउ कर दिया. नाउ लाइट इज एंटरिंग. कौन सी लाइट अब? नॉट मोनोक्रोमेटिक, पीपीएल. पीपीएल लाइट अब इस कंटेनर में हुई एंटर, और इस कंटेनर में एंटर होने के बाद हमें नहीं पता क्या हुआ. ऑब्जर्वर की आई इधर है. ऑब्जर्वर क्या देखता है? हमने कौन सी लाइट डाली थी? पीपीएल, जिसका प्लेन पोलराइज करके फिक्स था परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, इस एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन था. ये लाइट आप देखो, ऑब्जर्व करो मेरे हाथ के थ्रू, ये लाइट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुसी, और उसके बाद जब निकली इसमें से, ऑब्जर्वर की आई को निकोल प्रिज्म के थ्रू, ये चेंजेबल होता है, मतलब इसको रोटेट कर सकते हैं. जब आप ये पूरा अपैरेटस देखें तो इसमें आई पीस के आगे रोटेट करने का ऑप्शन होता है कि आप देख सकें. तो इस रोटेट होने वाले निकोल प्रिज्म के थ्रू देखा ऑब्जर्वर की आई ने, तो उनको वो लाइट एंटर तो ऐसे हुई थी, पहले से पता है जैसे हमने कराई थी. बाहर जैसे ही लाइट निकली, वो लाइट निकल के किस डायरेक्शन में मुझे मुड़ी हुई मिल रही है? इस डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में भी रोटेट हुई मिल सकती है, और नीचे मैंने और करा,
इस डायरेक्शन में भी रोटेट हुई मिल सकती है, ऑब्जर्वर की आई ने देखा। यानी हमने क्या देखा, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ओसी था, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पीपीएल के प्लेन को छेड़ दिया, रोटेट कर दिया। प्लेन गॉट चेंज्ड, रोटेट हो गया। पहले ये प्लेन था, अब या तो राइट हैंड साइड में रोटेट मिलेगा मेरे को या लेफ्ट हैंड साइड में। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर पाता है, उसको थोड़ा भी, चाहे 2 डिग्री भी, 30 डिग्री भी, 80 डिग्री भी, कितना डिग्री भी रोटेट कर पाता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं, इन कंपाउंड्स ने लाइट को एक्टिवली अफेक्ट कर दिया, ऑप्टिकली एक्टिव। लाइट को उसके प्लेन को चेंज करने की कैपेबिलिटी है, ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन। ये मैंने डेफिनेशंस नहीं लिखी है, ये कुछ और लिखा है। अब लिखिए डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज विच ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज विच चेंजेस द प्लेन ऑफ लाइट बाय रोटेटिंग इट, which changes the plane of light by rotating it in either direction, right hand or left hand. Right hand की direction में भी rotate किया जा सकता है plane, left hand की direction में भी. So optically active compounds are those which changes direction of plane, which changes the plane of light towards either राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। चेंज की जगह रोटेट भी कर सकते हैं। जो प्लेन पोलराइज लाइट के पीपीएल के या लाइट के प्लेन को रोटेट करते हैं कंपाउंड, रोटेट कर सकते हैं चाहे राइट हैंड साइड में चाहे लेफ्ट हैंड साइड में, उनको कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये पूरा सेटअप जो मैंने आपको एपेरेटस का बना के दिया, इसे कहा जाता है पोलैरिमीटर। ये पूरा का पूरा एपेरेटस लैब में क्या कहलाता है, पोलैरिमीटर। So, पोलैरिमीटर में देख के मुझे क्या पता चला, कुछ कंपाउंड्स ने पीपीएल को किस डायरेक्शन में रोटेट किया बच्चों, राइट हैंड। कुछ ने किस में रोटेट किया, लेफ्ट हैंड साइड। जो कंपाउंड्स राइट हैंड साइड में रोटेट करते हैं पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उन्हें कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करते हैं उन्हें कहा जाता है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को पॉजिटिव सिंबल से भी इंडिकेट करते हैं, लीवो रोटेटरी को नेगेटिव सिंबल से भी रोटेट करते रिप्रेजेंट करते हैं। डेक्स्ट्रो के लिए स्मॉल डी, लीवो के लिए स्मॉल एल। डोंट चेंज इट टू कैपिटल डी और कैपिटल एल, इट इज समथिंग एल्स विच विल सी इन बायोमोलिक्यूल्स। अभी नहीं, आप स्मॉल डी स्मॉल एल के अलावा कुछ भी नहीं, या पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा कुछ भी नहीं, और कोई सिंबल आप अपनी मर्जी से नहीं लाएंगे। और सिंबल की आदत नहीं डालनी तो आप डेक्स्ट्रो लीवो लिख सकते हैं आसानी से। ये तो बात हुई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इनको क्या कैसे हम ढूंढते हैं लैब में। बट यस, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट थिंग फॉर एवरी कंपाउंड, वी ऑन प्रेजेंट डे कैन नॉट गो टू लैब एंड फाइंड आउट इन पोलैरिमीटर की ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। अब आगे चलते हैं इसमें, लीवो डेक्स्ट्रो आज अब जितनी बार भी बात होगी ये याद रखना, पीपीएल ये था, अगर इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ आपकी तरफ से देखूं तो, इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ तो वो कौन सा होगा, डेक्स्ट्रो। इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ तो क्या होगा, लीवो, प्लस माइनस डी एल याद रहे। देन ये जो आपको मैंने बताया ऑप्टिकल एक्टिव, वहीं से उठा लिया मैंने कि पहला सवाल मेरे पास आया व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो पीपीएल को रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं इन ईदर डायरेक्शन, उनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। बट अब हम ढूंढे कैसे, ऑन डायरेक्ट नोट, मैं अब आज बुक और कॉपी में कैसे ढूंढूं इस बात को कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है कौन सा नहीं। सो वन मोर इंफॉर्मेशन, वन मोर डेफिनेशन, हर वो मॉलिक्यूल जो कायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये हमने रिसर्च करके ढूंढ के निकाला। कैसे, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड थे नेचर में मिले, जो डेक्स्ट्रो कर देते हैं, लीवो, उन सबने कॉमन चीज ढूंढी गई बैठ के पेन पेपर से, भाई इनमें कॉमन क्या है। हर कोई तो पोलैरिमीटर नहीं ले सकता, आप नहीं जा सकते, तो कुछ कॉमन फैक्टर ढूंढा गया। वो कॉमन फैक्टर क्या आया जो अभी आपको नहीं पता लग रहा, हर वो मॉलिक्यूल जो कायरल है
वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये कायरल क्या है, पहले तो मुझे ये बताया जाए कायरल मॉलिक्यूल क्या है। वो मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ये आप कुछ हद तक कोऑर्डिनेशन में कर चुके हो। हर वो चीज, मैंने तो मॉलिक्यूल लिख दिया, आई वॉज चेकिंग बुक्स, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। यस, आपको कीवर्ड्स डाल रखे हैं मैंने यहां पे, प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन मत देखिएगा, बहुत बहुत जगह चाहिए। लिसन टू इट, कायरल मॉलिक्यूल कौन से होंगे, मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स ओन मिरर इमेज। मैंने मॉलिक्यूल लिखा है लेकिन अगर आप ढंग से देखेंगे बुक्स में, कायरल वर्ड के लिए होता है ऑब्जेक्ट्स। हर वो ऑब्जेक्ट जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है उसको कहते हैं कायरल। फॉर एग्जाम्पल माई हैंड, दिस इज अ कायरल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। मैं तीन चार एग्जाम्पल दूंगी, फिर आपसे वो मुझे चीज चाहिए जो आपके सिलेबस में डिमांड की जाती है। अल्फाबेट ए इज कायरल और ए कायरल, बी प्रिपेयर्ड, ऑब्जेक्टिव विल बी आस्क्ड इन दिस। एक बार आया क्वेश्चन ए ए बी और चार अल्फाबेट में से पूछा हुआ था कौन सा कायरल, इज इट कायरल? ये कायरल नहीं होगा क्योंकि इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल है। तो साथ के साथ ए कायरल भी आ गया कि ए कायरल कौन से होंगे, जिनकी मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजेबल है वो ए कायरल, जिनकी नॉन सुपर इम्पोजेबल है वो क्या हुए, कायरल। अल्फाबेट बी कायरल, क्यों? क्योंकि इसकी मिरर इमेज जो बनेगी वो सर्टेनली इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी। क्या कॉमन चीज मिली आपको इस कायरल में और मेरे हाथ कायरल में, दोनों को कायरल बोला आपने, कुछ कॉमन चीज मिल रही है जो ए में नहीं थी और वाइस वर्सा, ए में ऐसा क्या था जो बी में नहीं था और मेरे हाथ में नहीं था कि मैं अपने हाथ को कायरल कैसे बोलूं? सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल में अपने आप में कोई भी सिमेट्री है, इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको दो बराबर हिस्सों में खुद में डिवाइड किया जा सकता है। अब आपको ऐसे ही ढूंढवाया जाएगा, आपको पोलैरिमीटर नहीं दे सकते। जिनमें खुद में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, आपको पॉइंट ऑफ सिमेट्री एक्सेस ऑफ सिमेट्री अभी नहीं पता, वो भी बताऊंगी, पहले प्लेन समझ लो। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब दो बराबर हिस्सों में अगर काट दिया जा पाए तो उसको कहा जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिनमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बाय एनी हाउ पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उनमें कायरलिटी नहीं हो सकती, उनकी मिरर इमेज घुमा फिरा के उनके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। सो ये सिमेट्रिक था, ये नॉन सिमेट्रिक था। अब आप कहोगे इसका भी तो एक प्लेन है, यू विल से कि इसमें भी एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सिंस इट्स अल्फाबेट, I cannot show you those planes जो मैं molecules में आपको दिखाऊंगी, right? तो यहां B में plane of symmetry choose करने के लिए भी एक axis होती है, आपकी मर्जी से नहीं, क्योंकि A और B में आपको plane of symmetry उतना clarity से नहीं बता सकती जितनी clarity से मैं आपको molecules में बता सकती हूँ। Have a look at this molecule is having a mirror plane within itself। आप alphabets के बजाय please इस पे आइएगा, right? This molecule has mirror within itself. इसमें अपने आप में एक मिरर बन रहा है, काट नहीं रहे हम, प्रैक्टिकली देखा जाए तो बॉन्ड्स को काटा नहीं जा सकता। So let me change. इसके अंदर अपने आप एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब मॉलिक्यूल के बीचों बीच अज्यूम कर लिया मैंने एक मिरर है, ऊपर वाला और नीचे वाला, अगर दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है तो ये क्या होगा, मिरर इमेज है, दैट टू सुपर इम्पोजिबल। दिख ही रहा है मेरे को सुपर इम्पोजिबल है, वो क्या होगा, ए कायरल। तो अभी इस डायग्राम को आज मैं कई बार यूज करने वाली हूं, यहां बना हुआ है। कायरल और ए कायरल का सिंगल मतलब पहले तो आपने क्या समझा, कायरल का मतलब एसिमेट्री, अभी इतना ही समझा, अंडरस्टूड है ए कायरल का मतलब क्या होगा, सिमेट्री, ठीक है। ये हुए कायरल ए कायरल। अभी वापस आती हूं मैं अपने क्वेश्चन पे, मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, हमने बताया ढूंढ लो वो कायरल है, कायरल के लिए आपने बताया या मैंने बताया उसमें एसिमेट्री होनी चाहिए, प्रैक्टिकली हम एसिमेट्री ढूंढ नहीं पाएंगे। एक में मैंने ऐसे बता दिया, आप कुछ और कर लोगे प्रैक्टिकली, वो भी सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट डील इन 3D,
और ये सिमेट्री ढूंढना आपके सिलेबस में नहीं है, इसके ऊपर लंबा चौड़ा टॉपिक है। तीन प्लेन, एक प्लेन ढूंढना, एक एक्सिस ढूंढना और पॉइंट ढूंढना, इट इज ऑल ऑल टुगेदर सेपरेट टॉपिक। जो 2006 तक आपके सिलेबस में एनसीईआरटी का एक अलग चैप्टर होता था, एल्काइल हैलाइड से पहले उस चैप्टर का नाम था स्टीरियो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक से पहले थर्मोडायनेमिक्स भी 12th में होता था प्लस वन में जो डाल दिया गया 2006 में, और ये स्टीरियो केमिस्ट्री भी होता था। स्टीरियो केमिस्ट्री वॉज ऑल अलोन अ चैप्टर, जिसमें से ये उठा के आपको बता रही हूं जो अब एनसीईआरटी में नहीं है। सो ये जो आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मैं मान लेती हूं भाई हमसे नहीं बनते, हमें कोई और आसान तरीका चाहिए, उसके लिए आपका सिलेबस क्या अलाउ करता है, एसिमेट्री कैसे ढूंढें। अब हम एसिमेट्री ढूंढने का सबसे सही आसान और फुल प्रूफ तरीका, अगर एक भी कायरल कार्बन है तो पूरे चांसेस हैं वो मॉलिक्यूल कायरल होगा। नहीं, एक भी ऐसा कायरल कार्बन है, पूरे चांसेस हैं उस मॉलिक्यूल में एसिमेट्री होगी। एसिमेट्री होगी तो उसमें कायरल मॉलिक्यूल कह सकते हैं हम उसको, और कायरल मॉलिक्यूल है तो आंख बंद करके हम उसे ऑप्टिकली एक्टिव कह सकते हैं। अब बात वहीं आ गई, कायरल कार्बन कहां से पहचानूं, ये दूसरी डेफिनेशन। व्हाट डू आई मीन बाय कायरल कार्बन, अब दूसरी लिखिएगा आप, व्हाट डू आई मीन बाय स्टीरियो सेंटर, व्हाट डू आई मीन बाय कायरल सेंटर, तीनों का मतलब एक ही है। कायरल कार्बन को ही आगे देखेंगे आप क्वेश्चंस में कायरल सेंटर कहा जाएगा या स्टीरियो सेंटर कहा जाएगा। तो सेकंड हेडिंग अब मेरे पास क्या आई, कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर और कायरल कार्बन, वन एज द सेम थिंग, तीनों आ गई एक साथ, कायरल सेंटर, स्टीरियो सेंटर और कायरल कार्बन। वो क्या होता है, हैव अ लुक, यहां से आपका क्वेश्चन एयर शुरू हो गया, यहां से आपके क्वेश्चंस पूछने बताने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कार्बन जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होंगे उसको कहा जाएगा कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर, क्योंकि वही वजह होगा स्टीरियो केमिस्ट्री की, वही वजह होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ऑप्टिकल एक्टिविटी की, या कहा जाएगा कायरल सेंटर। सो राइट डाउन वन लाइन, अ कार्बन विच इज अटैच्ड विद फोर डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन, कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर। अ कार्बन विच इज अटैच्ड विद फोर डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन और कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ एग्जाम्पल भी ड्रॉ करिएगा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एयर स्टार्ट हो गया। ये मैं आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रही हूं, आप नहीं ढूंढ सकते इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिख रहा है वैसे तो नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लोगे तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री देखना नहीं आता, एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखना नहीं आता। एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, वो भी छह तरह की होती है, वन फोल्ड, टू फोल्ड, थ्री फोल्ड, फाइव फोल्ड एंड सिक्स फोल्ड। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी सिक्स टाइप्स की होती है, सो नॉट एट ऑल गोइंग देयर, डायरेक्टली शॉर्टकट हमारे पास आ गया। अगर एक भी ऐसा कार्बन है जिसमें चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, उसको हमेशा अब से बुक्स में, क्वेश्चंस में एस्ट्रिक किया जाएगा, स्टार लगाया जाएगा, एंड दिस स्टार मीन इट इज अ कायरल कार्बन। इफ देयर इज वन कायरल कार्बन, 100% दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आपने एक कायरल कार्बन ढूंढ दिया, मतलब आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी ढूंढनी सीख ली। ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा है, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर, आपको ए और बी दो दिए, इन दोनों में से बताओ कौन सा कायरल है, कौन सा ए कायरल है। अगर आप ए वाला देखिए तो OH जिस कार्बन पे लगा है, एवरीबॉडी जिस कार्बन पे OH लगा है उस कार्बन पे एक तरफ CH3 लगा है, एक ही लाइन खींची हुई है, वन ये बॉन्ड लाइन डायग्राम में एक डॉट का मतलब एक कार्बन है, और इधर की साइड क्या लगा हुआ है उसका सी, फर्दर एक और CH3, एक और CH3, और चौथा इसमें अंडरस्टूड है क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। देखिए क्या इस कार्बन के ऊपर मैं एस्ट्रिक लगा सकती हूं, यस, इसके साथ अटैच्ड चारों के चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट है, सो आई कैन से दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल। और इसी के साथ एक और बना हुआ है इसका साथी, वो देखो वो भी कायरल है या ए कायरल है, क्यों ए कायरल है, क्योंकि दो ग्रुप एक जैसे लगे हुए हैं, दो भी ग्रुप एक जैसे आ गए, कायरलिटी इज डिस्ट्रॉयड।
तो अगर इसी को मैंने ऐसे पूछ लिया होता, इन दोनों में से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है जो कायरल है, जिसमें एसिमेट्री है, तो ढूंढना आ गया हम लोगों को, तो कायरलिटी ढूंढ लेंगे अब आप लोग। तो जिसमें भी कायरलिटी मिल गई उसमें एसिमेट्री मिल गई, कायरल कार्बन एक भी मिला उल्टा चलते हैं उसमें एसिमेट्री आ गई, जिसमें भी एसिमेट्री आ गई वो मॉलिक्यूल पूरा क्या बन गया, कायरल मॉलिक्यूल, और अगर वो कायरल मॉलिक्यूल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन एक से ज्यादा अगर कायरल सेंटर आए, ये एग्जाम्पल फिर से देखो, एक से ज्यादा अगर कायरल सेंटर आए तो समस्या आएगी। एक, मैंने बार बार बोला, एक कायरल कार्बन मिल गया 100% वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन इसमें देखिए दो दो हैं। हैव अ लुक, ये वाला कार्बन किन चार ग्रुप से अटैच है, चारों आपस में नहीं मैच करते, एक भी नहीं मैच करता दूसरे से। सिमिलरली दिस, दो दो कायरल कार्बन जब आ गए तब नहीं मैं कह सकती 100%, बिकॉज वेन देर आर टू मोर देन वन कायरल कार्बन, एक से ज्यादा कायरल कार्बन है जैसे कि दो, उसमें आई कैन नॉट एश्योर यू, क्योंकि उसमें बाई चांस प्लेन ऑफ सिमिट्री आ गया तो सुनना पूरा, ऊपर वाला पार्ट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा, नीचे वाला पार्ट क्योंकि उसकी मिरर इमेज है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा। अंदर तो हमें दिखेगा नहीं, बाहर अंदर घुसने वाली लाइट थी ये, ऊपर वाले ने इधर रोटेट किया, नीचे वाले ने उतना ही इधर रोटेट किया, बाहर निकले तो वही का वही ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एसिमेट्री नहीं मिली, इसलिए पहला वर्ड एसिमेट्री सिखाया जाता है, आखिरी वर्ड कायरलिटी सिखाया जाता है। भाई कायरल कार्बन होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल कायरल नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, दिस इज वन एग्जाम्पल। इसको कहते हैं इंटरनल कॉम्पनसेशन, अंदर ही अंदर कॉम्पनसेट हो गया रोटेशन, ऊपर वाले ने जितना डिग्री राइट हैंड साइड में रोटेट किया, नीचे वाले ने उतना ही डिग्री फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर दिया, जहां थे वहीं के वहीं रह गए। सो एक कायरल कार्बन है फिर तो आप बता सकते हो, लेकिन दो है तो आपको सिमेट्री पे जाना ही जाना पड़ेगा, राइट? तो यहां तक क्लियर? अब तीन डेफिनेशन बताइए, आई हमारे हाथ में और मैं डिक्टेट करती हूं। ऑप्टिकली एक्टिव मैंने लिखवा दी, कायरल मॉलिक्यूल आ गई हमारे पास, कायरल मॉलिक्यूल की जस्ट ऑपोजिट क्या बन गई, ए कायरल, एक बचती है कायरलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ, एक बचती है डेफिनेशन जो लिखवानी है, दैट इज कायरलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी ऑफ मिरर इमेजेस, द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी ऑफ मिरर इमेजेस of a molecule is called as chirality. The property of non-superimposability, the property of non-superimposability of mirror images of a molecule is called as chirality. यानी chiral होना ही chirality देता है। But मुझे definition की एक line create करनी थी, वो कर दी मैंने आपके लिए। So ये सारी definition हो गई। अब इन सबको आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे कैसे लगाना है, दैट इज लास्ट ऑफ टुडेज क्लास। अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको इस सारे पार्ट से इन नेट केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर में क्या उतारना है वो एक डायग्राम में बताती हूँ, इस सारे पार्ट में क्या क्या आगे ध्यान रखना है। अगर कोई एक एल्काइल हैलाइड आपको दिया गया, अब एल्काइल हैलाइड पे शिफ्ट हो जाती हूं मैं, एंड सपोज इट इज, दिख ही रहा है क्या है, ये कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, आपकी मर्जी, आप इसको कुछ ही अज्यूम कर लीजिए, आपके पास पोलैरिमीटर तो है नहीं, डेक्स्ट्रो कर लिया मैंने अज्यूम। अगर इसको मैं किसी भी एक्स वाई जेड रिएजेंट से रिएक्ट कराऊं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लास्ट क्लास में रिवाइज कराया था, सो जो जो भी रिएजेंट हम देंगे न्यूक्लियोफाइल, वो इसको अटैक करेगा, और अटैक करके क्या बनता है वो देखिएगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव सबको पता है, इसको क्या माना मैंने, डेक्स्ट्रो, ये डेक्स्ट्रो डायरेक्शन में रोटेट करता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को। अगर अटैक करने के बाद कुछ ऐसा बना मिलता जुलता सा, तो ये भी क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कंपाउंड डिफरेंट है इसलिए डिग्री ऑफ रोटेशन तो डिफरेंट होगा, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्शन एक ही होगी। और अगर इससे बनता उल्टा,
मिरर इमेज एग्जैक्टली नहीं है, मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्टली है, बट दिख रहा है कि उल्टा हो गया, जहां पर सीएल था वहीं पर न्यूक्लियोफाइल ने लगा, बिल्कुल उसकी उल्टी डायरेक्शन में लगा। ये भी अब समझना है हमको, इस साइड जाना है। तो मैं अगर कहूं ये डेक्स्ट्रो था और ये अब क्या हो गया, अब उल्टी साइड शुरू हो गई, तो लीवो। इस बात को अब आगे में रिएक्शंस में या इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लगाऊंगी, उसको आपको वहां पहुंचना है आज। तो डेक्स्ट्रो लीवो अगर आपको क्लियर हो तो मैं इस पार्ट को ले पाऊंगी। तो डेक्स्ट्रो और लीवो क्या है? एक किसी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज, इसी की मिरर इमेज अगर मैं बनाऊं, ये बनेगी बच्चों। वॉट आर दीज टू? दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एज वेल एज नॉन सुपर इम्पोजिबल। ऐसे दो आइसोमर्स को कोऑर्डिनेशन में हमने क्या नाम दिया था? ऐसे दो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। टू बी मोर स्पेसिफिक, और कोई नाम दिया था? एनाइंशियोमर्स। बिल्कुल सही, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, यही हमने कोऑर्डिनेशन में इसको नाम दिया था। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब समझ में आई ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों है? दोनों लाइट के प्लेन को अलग अलग तरीके से रोटेट करते हैं, इसीलिए ऑप्टिकल वर्ड डाला गया इसमें। इन दोनों को अब ऑर्गेनिक में एक और नाम दे रही हूं मैं, ये तब भी देना चाहिए था कोऑर्डिनेशन में भी। दे बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। चार पांच तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स अब ऑर्गेनिक में शुरू होंगे, हर एक को नाम देना होगा। ये इसी चैप्टर से पूछा जाना शुरू हो जाता है, व्हाट आर एनाइंशियोमर्स? सो राइट डाउन द वर्ड एनाइंशियोमर, व्हाट आर एनाइंशियोमर्स? तो अगली डेफिनेशन आपके पास क्या आती है? व्हाट आर एनाइंशियोमर्स? एनाइंशियोमर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। Enantiomers are type of optical isomers where both are mirror images of each other, where both are mirror images of each other, which are non-superimposable. Optical enantiomers are optical isomers which are mirror images of each other. जो दो कंपाउंड्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं एंड आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, उन्हीं को सिर्फ एनाइंशियोमर्स कहा जा सकता है। तो एनाइंशियोमर्स की पहली शर्त, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए। दूसरी शर्त, नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होने चाहिए। एक एनाइंशियोमर को मैं क्या नाम दे रही हूं? डेक्स्ट्रो। तो दूसरे को क्या नाम दूं? लीवो। सो डेक्स्ट्रो और लीवो आर टू एनाइंशियोमर्स। अब अगर आप कहते हो आज के बाद दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, यू इनवाइट एवरीबॉडी टू आस्क अनदर क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से वाला? ऑप्टिकल आइसोमर्स तो डायस्टीरियोमर्स भी हैं, मीजो आइसोमर्स भी हैं, एनाइंशियोमर्स भी हैं। यू विल फाइंड लॉट ऑफ थ्रियो, एरिथ्रो, बहुत सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट अभी आपके लिए कौन सा पार्ट ओपन हुआ है? एनाइंशियोमर्स। तो ये है एनाइंशियोमर्स। नाउ अप्लाइंग दिस होल स्टीरियो केमिस्ट्री ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। मैं सबसे पहले लेती हूं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन वन स्टेप होता है कि टू स्टेप? तो मैं अगर आपके सामने SN1 रिएक्शन लिख रही हूं, एक ऑब्जर्व करना कायरलिटी के बारे में, अब बाकी सब आपको आता है, तीसरी चौथी बार रिपीट नहीं करूंगी। मैंने आपको एक ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड दिया, राइट? ये ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड, अगर अब मैं इसको, इसमें स्टीरियो सेंटर है, स्टार बनाने की आदत डालेंगे अब हम, अगर मैं अब इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लेके जा रही हूं, और क्यों लेके जा रही हूं? टर्शरी है और मैंने सेकेंडरी, और मैंने क्या दिया है आपको? कौन सा मैकेनिज्म? SN1। SN1 सेकेंडरी में SN1 प्रेफर होता है। अब तक ये बात हुई नहीं थी, ट्रेंड ही चल रहा था बहुत टाइम से। अगर अकेला सेकेंडरी आए, इट गो वाया SN1। अब इसमें कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अगर मैं SN1 मैकेनिज्म की बात कर रही हूं तो टू स्टेप, इसमें कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और वो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो प्लेनर होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन, फर्स्ट जब हमने ये बात की थी तभी भी हमने किया था,
कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 और वो प्लेनर होता है। डिफरेंसेस में बार बार मैंने इन्हीं चीजों पे इसलिए ध्यान दिया था क्योंकि ये पूरे चैप्टर में आनी है। तो यहां पर क्या बना है बच्चों, कार्बो कैटायन, इट इज प्लेनर। प्लेनर का मतलब, अच्छा अब इसमें इस कार्बन के पास चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, नो, सो नो पॉइंट ऑफ अप्लाइंग एस्ट्रिक। अब यहां कायरलिटी नहीं ढूंढ सकते, कायरलिटी का मतलब चार डिफरेंट ग्रुप ऑन अ कार्बन, सो नाउ इट इज प्लेनर। वैसे भी प्लेनर है, तीसरा प्लेन यूज ही नहीं हुआ तो मॉलिक्यूल तो पूरा है ही नहीं, उसकी सिमेट्री कहां से बात करूं, ये प्लेनर है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों इस, सो ये बन गया कार्बोकेटायन, राइट, प्लेनर। अब इसमें आने वाला अगला स्टेप क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आके उसी की जगह लग जाएगा जहां पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ था। अब प्लेनर ये मेन चीज है, इसके बाद मुझे कराने को कुछ नहीं है खास, इसको समझ लेना एक टेक में सभी लोग। ये कार्बोकेटायन मेरे हाथ में प्लेनर, प्लेनर मतलब ऑन अ प्लेन ऑफ पेपर, ये न्यूक्लियोफाइल इसको इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी, 50% चांस है वहीं से अटैक करे, उसी साइड से अटैक करे जिस साइड सीएल लगा हुआ था, 50% चांस है जिस साइड सीएल लगा हुआ था उसकी जस्ट ऑपोजिट उल्टी साइड से अटैक करे। दोनों की प्रोबेबिलिटी इस वक्त मुझे पता लग रहा है 50-50% है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इट फ्रॉम दिस साइड, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इट फ्रॉम दिस साइड, दो ऑप्शन बनी ए और बी। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री लगा रहे हैं अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। ए अटैक से क्या बनेगा, जहां सीएल लगा हुआ था वहीं पर न्यूक्लियोफाइल, सेम साइड अटैक, इधर CH3, इधर C2H5 और इधर H। और अगर मेरे को बी साइड देखनी पड़ती, ऑपोजिट से अटैक करता तो क्या, जहां पर सीएल था जस्ट उसके ऑपोजिट एंड पर मुझे क्या लगाना पड़ता, न्यूक्लियोफाइल, वहां क्या लगाती मैं, CH3, यहां क्या लगाती, C2H5। बाई चांस मिरर इमेजेस आ गई एक दूसरे की। अब मेरे शब्दों को सुनना, अगली डेफिनेशन, 50% चांसेस हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी रिटेन हो गई, डेक्स्ट्रो था तो डेक्स्ट्रो की रहा, 50% चांसेस क्या रहे, जिस तरह की कॉन्फ़िगरेशन पहले थी लगभग वैसी ही आई, इस केस में रिटेंशन हुआ, जिस साइड सीएल लगा है उसी साइड न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, यस। और इस केस में क्या हुआ, उल्टा हो गया, क्या उल्टा हुआ, अगर अब मैं आपको कहती हूं ये डेक्स्ट्रो था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, इसमें रिटेंशन हुआ तो ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा, लेकिन इसमें उल्टा हो गया, लीवो आएगा, उसको अब हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन, उल्टा मतलब इन्वर्जन, आर मतलब रिटेंशन, डिफाइन रिटेंशन एंड इन्वर्जन, डिफाइन व्हाट इज रिटेंशन, इसको मैं प्रॉपर लैंग्वेज में आपको लिखवा रही हूं, डिफाइन करिए इसको, व्हेन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, व्हेन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इज प्रिजर्व्ड, व्हेन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इज प्रिजर्व्ड, व्हेन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इज प्रिजर्व्ड एट अ काइरल कार्बन, काइरल कार्बन के ऊपर जो स्पेशियल अरेंजमेंट था बॉन्ड्स का वो प्रिजर्व हो गया, व्हेन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इज प्रिजर्व्ड एट अ काइरल कार्बन, वी से रिटेंशन इज अटेन्ड, रिटेंशन हो गया, काइरल कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड्स का जो स्पेशियल अरेंजमेंट था वो वैसे का वैसा लगभग मिल जाए, रिटेन हो जाए, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन ऑफ बॉन्ड, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स एज इट इज रिटेन हो गया। अब इन्वर्जन की अपने आप ही शायद लिख लोगे, मैंने प्रिजर्व्ड वर्ड लिखा है, उस प्रिजर्व्ड वर्ड का ऑपोजिट दे दो, व्हेन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड इज नॉट प्रिजर्व्ड एट अ काइरल कार्बन, रेदर इट इज इन्वर्स्ड, रेदर इट इज इन्वर्स्ड is called as inversion. अभी हमने क्या बात करी, 50-50% chances हैं दोनों काम होने के, 50% chances क्या हैं, जो आपकी test tube जिसमें reaction आप करा रहे हो alkyl halide को
किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा रहे हो जिसमें SN1 रिएक्शन हो रहा है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना प्लेनर, प्लेनर बना तो 50% चांस है न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से अटैक करेगा, 50% चांस है न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, जिसकी वजह से पूरे चांस है जितना डेक्स्ट्रो बनेगा उतना ही लीवो बनेगा। अगर किसी टेस्ट ट्यूब में 50% उसी चीज का डेक्स्ट्रो है और 50% उसी चीज का लीवो है, एक ही उस डब्बे में जो मैंने पोलैरिमीटर में सॉल्यूशन डाली है इसी की डाल दूं जिसमें 50% ये और 50% ये है, आने वाली लाइट उस पर कोई असर पड़ेगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? क्या लाइट का प्लेन अफेक्ट होगा अगर 50% डेक्स्ट्रो है 50% लीवो है? कहीं और हो? नहीं होगा। क्यों? मैं कह रही हूं, तुम कह रही हो लीवो भी नहीं हो पाएगा, डेक्स्ट्रो भी नहीं हो पाएगा, रदर मैं रिवर्स कह देती हूँ, लीवो भी होगा क्योंकि लीवो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो भी होगा। उल्टा क्यों बोलना? क्यों नहीं हो पाएगा लीवो, अगला क्वेश्चन, जबकि लीवो है डेक्स्ट्रो भी है, दोनों 50-50% है। यस आंसर इज विद यू नाउ। 50% मॉलिक्यूल किस साइड में रोटेट करने में लग जाएंगे? उसको राइट हैंड साइड। और बाकी के 50 किस साइड रोटेट करने को लग जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। फाइनली नेट क्या होगा? जीरो। बट ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर तो नहीं हुआ, बाहर हुआ। इसको कहते हैं एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। थोड़ी देर पहले आपने इंटरनल कॉम्पनसेशन देखा था, ये क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। और इस एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन के लिए एक वर्ड है, वो मैं अब लिख रही हूं, लास्ट डेफिनेशन आज की, लास्ट ही है ये, रेसिमाइजेशन। नोट डाउन दिस वर्ड एंड देन आई विल डिक्टेट यू द डेफिनेशन। यही है एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन और रेसिमाइजेशन, एक ही बात। नोट डाउन दिस थर्ड टर्म इन पर्टिकुलर SN1 जो हम चला रहे हैं। रिटेंशन समझ आ गया, इन्वर्जन समझ आ गया, अब तीसरा है रेसिमाइजेशन। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो, लिखते लिखते समझ आ जाएगा। राइट डाउन व्हाट इज रेसिमाइजेशन। द मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर, द मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर, डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर और एनाइंशियोमर इज कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर। पहले तो ये लिखिए, मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर इज कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर आ गया, एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। नाउ लेट मी क्लोज SN1। मेरे को आखिरी लाइन कंक्लूड करनी है SN1 के लिए। SN1 में बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, अंडरस्टूड है? ये क्वेश्चन में नहीं बोलेंगे बिफोर एंड आफ्टर। एक्सप्लेन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, व्हाट आई विल एक्सप्लेन सब्जेक्टिवली। इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन इट इज टू स्टेप। देयर इज अ प्लेनर कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, सो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम बोथ साइड, फ्रंट एज वेल एज बैक, या फ्रंट रियर, कुछ भी लिखना चाहिए आप। इट अटैक 50-50% फ्रॉम बोथ साइड, विच रिजल्ट इन 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन, विच फाइनली गिव्स अस अ रेसिमिक मिक्सचर। दिस इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। आप लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे अपनी कॉपी में? इफ वी गिव यू आंसर, डिस्कस स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1, या व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई यू रिसीव रेसिमाइजेशन इन SN1। तो पहले तो आप एक अपनी मर्जी से कंपाउंड क्रिएट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल की जगह आपने NU लिख दिया, OH लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। फिर आप एक प्लेनर कार्बन क्रिएट करते हैं, जैसे NCERT में दे रखा है। इस प्लेनर कार्बन के क्रिएट करने के बाद यहां ये कर रखा है, पैसेज ए, पैसेज बी। पैसेज ए में आप क्या दिखाओगे? न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट एंड से, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट एंड मतलब वहीं जहां पर CL लगा हुआ है। सो इधर आप दिखाओगे H, इधर C2H5, इधर CH3, इधर न्यूक्लियोफाइल। इस पे क्योंकि आपने डेक्स्ट्रो लिखा है तो इस पे भी क्या लिखोगे? डेक्स्ट्रो और पॉजिटिव एनी वन सिंबल।
दूसरा आप क्या दिखाएंगे, रियर साइड, बैक साइड से अटैक करता है, तो क्या बनेगा, H, यहां पर NU, यहां पर CH3, यहां पर C2H5, इसके नीचे आप लिखेंगे लीवो, और यहां आना चाहिए कॉन्फिग्रेशन इज रिटेन्ड रिटेंशन, कॉन्फिग्रेशन इज नॉट रिटेन्ड इनवर्स्ड, दैट्स व्हाई इट इज इनवर्जन। और एनसीईआरटी कहती है 50-50% चांसेस है दोनों, द मोमेंट वी शिफ्ट टू ऑब्जेक्टिव इट इज नॉट एक्चुअली 50-50%, 63% इन्वर्जन होता है और बाकी बचा हुआ रिटेंशन होता है, बट ये हम अगली क्लास में लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए अगली क्लास, इसकी तो क्लास ही अलग लगानी पड़ेगी, तो इसमें मैं चेंज कराऊंगी, एक्चुअली पूरा इन्वर्जन नहीं होता, मतलब 50-50% नहीं होता, इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा होता है, खैर उसको हम अगली क्लास में बात करेंगे, आज सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस और उसका एप्लीकेशन। SN1 की स्टीरियो केमिस्ट्री में समझ आ गया कि फाइनली एंड क्या हुआ, वी रिसीव रेसिमाइजेशन, और रेसिमिक मिक्सचर को डिफाइन जब आप करेंगे, जो मैंने करवाया उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस दोनों या डी और एल दोनों, दिस इज हाउ रेसिमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड। SN2 माने वन स्टेप, हैव अ लुक एवरीबॉडी, ये हुआ अगेन H, ये हुआ Cl, ये बिलो द प्लेन CH3 और ये अबाउट द प्लेन C2H5। आई एम मेकिंग अ काइरल मॉलिक्यूल। नाउ इफ आई एज्यूम, रेदर आप सेकेंडरी में SN1 लेके जाएं और कंफ्यूज होए कि अब तो SN2 करना है, तो लेट मी चेंज, यहां मैंने CH3 रखा है, यहां मैंने Cl रखा है, यहां मैंने H रखा है, यहां मैं एक D रख देती हूँ, ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम मीन्स हाइड्रोजन का ही आइसोमर है, बट वो सेम नहीं है H और D, तो ये भी काइरल होंगे। अगर अब मेरे को मैकेनिज्म कौन सा लेना है, SN2। SN2 में क्या होता है, देयर इज नथिंग लाइक प्लेनर कार्बोकेटाइन, ये टूटना शुरू होता है और दूसरा जुड़ना शुरू होता है, एक पेंटावेलेंट स्टेट बनती है। अब जब ये टूटना शुरू ही नहीं हुआ तो न्यूक्लियोफाइल जो आप अटैक कराओगे वो इधर की साइड से कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, स्ट्रॉन्गली रिपेल। सो दिस वे एंट्री इज नॉट एट ऑल अलाउड, व्हाई, बिकॉज वन न्यूक्लियोफाइल cannot attack from that side where already a nucleophile is being there. Remember chemical kinetics last topic, orientation factor. यही वो orientation factor उस वक्त बताया था, तब कहा था अभी आपको उतना समझ नहीं आएगा जितना आपको organic में जाके समझ आएगा। अगर nucleophile इसके सामने इस side से oriented है तो वो collision activated होने के बावजूद भी energy भी पूरी है, frequency भी पूरी है, फिर भी product नहीं बनाएगा क्योंकि orientation is wrong। जाएगा कोलाइड करेगा और तुरंत रिपेल हो जाएगा, रिएक्शन कैन नॉट अकर। तो ओरिएंटेशन फैक्टर जो उस वक्त था वो ये था, इस साइड से न्यूक्लियोफाइल की एंट्री बंद, ब्लॉक, कोई चांस ही नहीं, एक ही साइड से न्यूक्लियोफाइल की एंट्री अब पॉसिबल है, वो है जस्ट ऑपोजिट वाला। तो यहां तो दो ऑप्शन का सीन ही नहीं है मेरे पास, तो यहां क्या हुआ, एक पेंटावेलेंट स्टेट बनी, दिस एक छूटता हुआ एक जुड़ता हुआ। अब लीविंग ग्रुप बाहर निकला Cl और न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, शर्तिया 100% क्या मिलेगा, इन्वर्जन, देयर इज नो चांस ऑफ रिटेंशन। तो यहां क्या मिला मुझे, यहां जो नया कंपाउंड मिला उसमें न्यूक्लियोफाइल इस साइड 100% इन्वर्जन, क्या मिला मेरे को, 100% इन्वर्जन। अब जरा एक चीज देखना है इसमें, इन्वर्जन का एक्चुअल मतलब आपको रियल लाइफ में समझना हो, हैव अ लुक एवरीबॉडी, ये वो चीजें जो इसकी हिल नहीं रही, जो इंटैक्ट है, और ये जो हिल रहा है, छाता बन गया, एक छाता बन गया, इसी से साइंटिस्ट ने बताया, उनका नाम भी बताऊंगी, पर साइंटिस्ट ने इसको इन्वर्जन को कैसे समझाया, इफ दिस इज एन अम्ब्रेला, कैसे अम्ब्रेला बनाइए, ये तीन ग्रुप एक साथ और ये जो Cl जो निकल रहा है वो उसकी आप स्टिक समझ लीजिए। तो जब एंड मेरे पास आया तो वो तीन ग्रुप जो इंटैक्ट थे वो कहां लगे हुए हैं इसके अंदर, वो ये रहे, और अब के
खाता पूरा उल्टा हो गया, इन्वर्टेड इन्वर्जन। दिस इन्वर्जन इज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय अ साइंटिस्ट वॉल्डेन इन दिस वे, दैट्स व्हाई फेमसली इट इज नोन एज वॉल्डेन इन्वर्जन विच वी फाइंड इन SN2। दैट्स ऑल अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री।